before we roll something else. Where do we see? तो हमारी बॉन्डिंग बहुत डे वन से ही हम लोग क्लिक कर चुके हैं. हमें लगा ही नहीं कि हम शो के साथ मिल रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और ऑफ और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई है कि ऑन कैमरा भी वो दिखती है. और कई बार तो सीन्स भी इतने इमोशनल होते हैं कि हम एक दूसरे की लुक में ही समझ जाते हैं कि हाँ ये बोलना चाह रही है. सो यस, बहुत मज़ा आ रहा है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक फैमिली यूनिट की तरह है, जो कि ज़रूरत है. एक दूसरे की टांग भी खींचते रहते हैं, एक दूसरे को डांटते भी रहते हैं, खाना भी लेकर आते हैं. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. मैं सबसे छोटी हूँ, ये दोनों मेरी कान खींचते रहते हैं, छेड़ते हैं. आपको कहीं लगता है कि मैं इनके कान खींच सकती हूँ? बॉन्डिंग देके लगता है कि कभी नहीं. वो प्यार में कान खींचती है कि छोटी ये करा कर काम. और बिल्कुल नहीं करती है ये, बिल्कुल नहीं करती है ये, भूल जाती है. तो सब मेरे ऊपर मुझे याद है. इन्होंने वो बड़ी बहू का ओहदा मुझे लिटरली दे दिया है ऑफ स्क्रीन भी, कि सारे काम तुम्हें ही करने करने. सबसे बड़ी मैं हूँ, स्वरा हाँ, फिर मैं हूँ, मैं सबसे छोटी. ये दोनों में सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? ये और कौन करेगा, है ना? मैं नहीं ना, नहीं सी के बारे में ना, ये लगती है सीधी लेकिन है बड़ी नौती. कितनी सच्चाई है इसकी. ऐसे उसे बोला गया था बोलने के लिए, अभी थोड़ी देर में पैसे लेती हूँ मैं इससे. आपको क्या लगता है मुझे कोई नहीं परेशान करता है. मुझे लगता है कि मैं ही सबको परेशान करती हूँ. द गूफ ऑफ्स दैट आई मेक इन रियल लाइफ ऑन द सेट एंड वैसे भी जो, लेकिन हाँ जो हम इन्हें तंग करना, इन्हें याद तो रहना चाहिए कि इनको तंग करना. मैं भूल जाती हूँ. आई लाइक टू बी हैप्पी. मैं याद नहीं रखती ज़्यादा किसने तंग किया. वो तो अलग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो नहीं भूलती, बाकी सब भूल जाती है. मैं सब भूल जाती हूँ, वो ऐसे रट लेती है सारी स्क्रिप्ट. तो मैं एकदम तोते की तरह से उड़ती हूँ. परेशान तो नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि हम मस्ती बहुत करते हैं. कोई किसी को परेशान नहीं करते. हम लोग ईगो क्लैश है, ऐसा कुछ नहीं है. एक दूसरे को टिप्स देंगे, एक दूसरे को एनकरेज करेंगे. मस्ती वाला मैं बस. हाँ हाँ, वो तो सबसे ज्यादा मैं ही करती हूँ. यही करती है सबसे ज्यादा. मैं लाइनें कर रही होंगी और कुछ कर करके चली जाएगी. मैं बोली क्या कर रही है, कहती बस ऐसे कर ले. तो ये सबसे ज्यादा ये है. मैं ही परेशान, सबसे छोटी है तो नॉटी हूँ मैं. सबसे छोटी, सबसे नॉटी. लगती नहीं है लेकिन है. मैं ज्योति हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, ये सब झूठ है. नहीं 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 भाभी, मैं घर का सारा काम करती हूँ लेकिन मेरा प्रायोरिटी आपको तंग ये वैसी करना. वाली भाभी है, बिस्तर बिछा देगी और नीचे पापड़ भी बिछा देगी बिस्तर. ये वैसी वाली भाभी है. मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि ये शो इट्सेल्फ इतना पॉजिटिव है. न्यूक्लियर फैमिली आजकल बहुत चांसेस है जल्दी ब्रेक होते हैं. तो एक जब जॉइंट फैमिली सब साथ में आती है तो क्या मैसेज देना चाहती है. तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस हमें बहुत प्यार देने वाली है क्योंकि इसमें सब तरह के इमोशंस हैं. इसमें सिर्फ एक ट्रैक नहीं है कि सास अपनी बहुओं को तंग करने में लगी हुई है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पर सास और बहू का भी एक डीपर लेवल पर बॉन्ड दिखाया गया है. भाइयों के बीच में कैसी अनबन होते हुए भी वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे खड़े रहते हैं. बहनों के साथ में, मतलब भाभियों के साथ में कैसा रिश्ता है, ये भी बताया गया है. तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि हमें हमारी ऑडियंस बहुत प्यार करे, लेकिन मैं चाहती हूँ ऑडियंस हमें आप सच में बहुत सारा प्यार करें. अर्बन सिटीज के लिए काफी अच्छा मैसेज है क्योंकि हम देखते हैं अर्बन सिटीज में देयर आर सो मेनी न्यूक्लियर फैमिली. यस यस, तो जॉइंट फैमिली में रहना अपनी मजा ही अलग आता है. एग्जैक्टली, लाइक टू से समथिंग एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मतलब आई पर्सनली आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली. मैं कभी जॉइंट फैमिली में रही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि सारे भाई साथ में रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं. कोई कमज़ोर है तो उसको संभालने के लिए दूसरा भाई खड़ा है. लेकिन लाइफ में कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पूरा परिवार बिखर जाता है और जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाती है. जानकी माँ
थोड़ी सी डिसओरिएंटेड हो जाती है अपने बेटों से, और फिर ऐसा मौका आता है कि सब वापस आ जाते हैं, और जब सब वापस आते हैं, पहले इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद जब वापस आने के बाद उनके साथ क्या होता है, वो बॉन्डिंग फिर से वापस बनती है कि नहीं, लेकिन डीप डाउन समवेयर इनसाइड एवरीबडी लव्स ईच अदर। बहुत सालों का गैप है लेकिन थोड़ा सा मन मुटाव है, जो कि आई थिंक हर एक फैमिली में होता है, हमने देखा होगा, छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली, चाहे शहर की फैमिली हो या गाँव की फैमिली, ये है तो उज्जैन में, तो आपको एक अच्छा सा फैमिली ड्रामा, जैसे कौन से वो बनाते थे राजश्री टाइप, हम साथ साथ हैं, या हम आपके हैं कौन, तो वैसा समथिंग आपको देखने को मिलेगा टीवी के प्लेटफॉर्म पे। कोई किसी से नफरत नहीं करता, कोई क्लैशेस नहीं, कोई नफरत नहीं करता, बस नाराजगी, फैमिली इश्यूज है, फैमिली इश्यूज, नाराजगी, भाइयों में, नाराजगी कैसे एक दूसरे से हम उसको कवर करते हैं या संभालते हैं, वो इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। मैं खुद एक न्यूक्लियर फैमिली सिंगल फैमिली से आई हूँ, सो मेरे लिए जॉइंट फैमिली का इम्पोर्टेंस बहुत है, बिकॉज ये कहते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन जब वो मिल जाती है ना तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सो मेरे ख्याल से जो जॉइंट फैमिली के लोग होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, हर का अलग अलग इमोशंस होता है, सो जब लेकिन वो साथ में खड़े रहते हैं ना तो उनके साथ टक्कर कोई नहीं ले सकता। आई फील जॉइंट फैमिली इज़ मोर हैप्पी प्लेस देन द न्यूक्लियर फैमिली। या आई जस्ट वॉन्ट टू एड वन थिंग कि हमारे शो की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने माँ बाप को अटेंशन देना भूल जाते हैं, और जॉइंट फैमिली में या इस कहानी में मेहंदी वाले घर में एक माँ बाप की स्ट्रगल दिखाई गई है कि हम उनके एक उम्र के बाद हमें लगता है हाँ मम्मी तो कर लेगी ना, मम्मी तो कर लेगी, मम्मी डैडी तो कर लेंगे, हम ये सोचते ही नहीं है कि वो बिना कि रुके वो कंटिन्यूसली हमारे लिए काम करते हैं। तो पेरेंट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, ये इस मेहंदी वाले घर में हम वो समझेंगे, और हमारी ऑडियंस इसलिए हमारे साथ जुड़ पाएगी। आजकल के जो बच्चे हैं स्पेशली वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, जब पूरी ज़िंदगी माँ बाप ने उनके लिए स्ट्रगल किया है, तो टुडे इट इज़ योर टर्न टू गिव समथिंग टू योर पेरेंट्स, और ये चीज़ हमारी सीरियल सिखाएगी कि बच्चों को बुढ़ापे में एटलीस्ट अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए सबसे पहले तो जब मुझे ये शो ऑफर हुआ था, द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड वाज, पहले तो मैं अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ कि नहीं वो कैरेक्टर से जो मैं प्ले करने वाली हूँ, अगर मैं नहीं रिलेट कर पाती तो मैं नहीं लेती, बट यस अगर मैं उस कैरेक्टर से रिलेट कर सकती हूँ, अपने आप को खुद को उस कैरेक्टर में देख सकती हूँ कि मुझे यही कैरेक्टर को ऐसे परफॉर्म करना है, तो ही मैं लेती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगी जो कि बहुत ही सिली बट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, कि मैंने उससे पूछा कि क्रिएटिव से कि ये कैरेक्टर का लुक कैसा रहेगा, तो दे सेड साड़ी, आई वॉज़ लाइक येस देन आई एम डूइंग इट, यू नो बिकॉज मुझे साड़ीज बहुत पसंद है। ओके ओ माई, थैंक यू।
थैंक यू सो मच. तो लाइक यस ऑफ कोर्स यू नो दैट आई ऑफन वेयर साड़ीज एंड आई थिंक भगवान ने मुझे बनाया ही साड़ीज़ के लिए है. तो अगर मुझे कोई और लुक देते तो शायद मैं इतनी खुश नहीं होती, बट मुझे साड़ीज़ दी है आई एम वेरी हैप्पी. प्लस द कैरेक्टर इज़ ब्यूटिफुल, मतलब इतने लेयर्स हैं ये कैरेक्टर में. अगर कैरेक्टर की बात करें तो पहले तो हमने लुक की बात की कि आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लुक, और अलग अलग लेयर्स है. शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है. इमोशंस, हर किसी के इमोशंस को समझ सकती है और कहीं ना कहीं जानती है कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यस, मैं बिल्कुल अपने आप को रिलेट कर सकती हूँ इस कैरेक्टर से. प्लस शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ काइंड हार्टेड, यू नो, और बहुत सपोर्टिव है. मनोज के लिए बहुत सपोर्टिव है, अपनी खुद की फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव है. हाँ, कहीं ना कहीं वो ये देख रही है कि ये फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, और कहीं ना कहीं उसे वो प्यार मिला नहीं है इस फैमिली से. तो अब आई है 22 इयर्स के बाद, अब देखते हैं आगे क्या होता है. बिल्कुल यही है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है. और ये साउथ मुंबई की लड़की दिखाई है, और साउथ मुंबई की गर्ल में आई मीन अगर मुझे शायद उज्जैनी फैमिली के एक कैरेक्टर देते तो शायद मैं उतनी अच्छे से, मैं आई वुड हैव डेफिनेटली स्टूड अपार्ट. और ये कैरेक्टर जो है वो हम लोग ने हमेशा ऐसा ही रखा है कि अगर साथ में भी खड़ी है तो सबसे अलग, सबसे स्टाइलिश, बैंग ऑन दिखेगी ये. और अजंता वैसी ही है, और यू नो रीमा भी वैसी ही है बाय गॉड्स ग्रेस. तो डेफिनेटली अलग है, सबसे अलग है ये कैरेक्टर पूरी फैमिली में. रीमा, अगर हम आपके परिवार की अगर हम बात करें तो किस तरह से यू हैव बीन इनटू द न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली इन योर चाइल्डहुड डेज? और राइट, सो न्यूक्लियर फैमिली ओनली, बट रिलेटिव्स होते हैं, बट हम लोग भी रिलेटिव से इतना मिल नहीं पाते हैं हमारे काका से, मामा से और ये. बट हम लोग वैसे भी बहुत क्लोज़ हैं, क्योंकि अलग रह के भी आपको बॉम्बे में टाइम ही नहीं मिलता. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, हमें टाइम ही नहीं मिलता है. हम लोग दिन रात शूट करते रहते हैं, घर पे जाते हैं, सो जाते हैं, यू नो, अपनी फिटनेस, अपना हेल्थ, अपने मील्स, ये सब में ही आप इतना पड़े हुए रहते हो कि जब आपको डे ऑफ मिलता है यू जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स. साल में एक दो बार हो जाता है मिलना, but that doesn't mean that we are not close. We are very close. We have a very good bond with all our relatives, all our family, friends, extended family. Yes. Thank you so much, Reema, and all the best for 2023. Thank you so much for having me. Thank you. Karan ji, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई. Thank you, thank you, thank you. काफी time के बाद Daily Soap पे देख के comeback है. Thank you, thank you. काफी लोग wait कर रहे थे. To be very honest, हमने गाने में देखा थे. वेल, काफ़ी एक्साइटमेंट है इस शो को लेकर. मेहंदी वाला घर जो कि सोनी टीवी पे आने वाला है 9:30 बजे 23 जनवरी से, एंड ये एक जॉइंट फैमिली की कहानी है जो कि उज्जैन बेस्ड है. एंड किस तरह ये बहुत ही क्लोज नेट फैमिली होती है, रिश्तों में दरार कैसे आ जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, और कैसे मनोज अग्रवाल जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ ये घर वापस जाता है इतने सालों बाद, 24 साल बाद. तो वहाँ से आप इसे देखना शुरू करते हैं. थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाएंगे जहाँ पे मैं मूंछ के बिना दिखाई दूंगा आपको, फिर आपको प्रेजेंट में दिखूंगा मूंछ और चश्मे के साथ. सो एक मैच्योर रोल भी है जो खुल के इतना, जैसे आप कह लीजिए अगर मैं फ्लैशबैक में दिखूंगा तो खुल के कैरेक्टर आपको दिखेगा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट रहेगा थोड़ा सा, चाहे वो हंसने में हो चाहे वो बिहेवियर में हो. और इमोशनल एक जर्नी है इसकी जब ये घर वापस आता है. सो इट्स नाइस, इट्स नाइस. यार मैं तो यूजुअली विदाउट मुस्टैच ही होता हूँ, बट ऑफकोर्स एक किरदार की रिक्वायरमेंट थी, इज़ वॉट इवन द डायरेक्टर एंड क्रिएटर्स वॉन्टेड. सो आई वेंट विद द फ्लो, आई सेड ठीक है अब जैसे उनको ठीक लग रहा है वैसे कर लें, बिकॉज इवेंचुअली मौली का फादर भी दिखना है मुझे. तो मूँछ उतार दीजिए तो मैं फादर लगता का मुँह, तो उनको जस्टिफाई भी तो करनी है स्टोरी. सो समवेयर दैट इज़ द थॉट ऑल्सो. एक अगर बात के कि आप यू आर कमिंग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, आपके इतने सारे गाने आए, गाने तो आते ही रहेंगे और आते रहेंगे, जिसमें बेवफा तेरा चेहरा मुझे आज भी मेरा फेवरेट है पर्सनली, इतने व्यूज, टी वी. ओ दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड यार, मतलब इट वॉज नॉट इन द पाइपलाइन. नहीं पहले भी आए हैं, बट आई वॉज नॉट टू कीन ऑन टी वी, बजट्स वर नॉट वर्किंग आउट, और
या फिर कभी स्टोरीज नॉट वर्किंग आउट, तो मेरा वो थॉट प्रोसेस अभी टीवी में वापस आने का नहीं था. बीच में आई थिंक कोविड के टाइम पे आई हैड डन द जी पंजाबी शो फॉर अ ईयर, तो एक एक साल सवा साल वो था, वो अच्छा था एक, क्योंकि वहाँ पे भी मैं 10 दिन जाता था, शूट करके आता था महीने का. सो दैट वाज गुड, 10 दिन गए, शूटिंग हो गई, आप अपना काम कर सकते हो, यू नो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड. तो वो वापस आना टीवी पे एंड 30 दिन देना थोड़ा मुश्किल वो मेरे लिए हो रहा था. आई डेंट वॉन्ट टू कीप वर्किंग फॉर 30 डेज बिकॉज आई हैव डन इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो कहीं ना कहीं विद एवरीथिंग, एक्सपीरियंस कह लो, एज कह लो, एवरीथिंग, आई वॉन्ट थिंग्स टू बी लिटिल सेपरेट. तो यहाँ पे वो बैलेंस सॉरी अच्छे से बन भी गया, टचवुड. और ये बड़ा ही लास्ट मिनट थी चीज़, क्योंकि मेरा कोई लुक टेस्ट नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, सीधा प्रोमो में आके खड़ा हो गया मैं. सो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, आई वॉज इन डेली, सो आई वॉज जस्ट कॉल्ड, अगले दिन आना है तुम्हें. मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है? नहीं, शो है, सब रेडी है, यू हैव टू डू द प्रोमो. मैं कहा सिर्फ प्रोमो के लिए आ रहा हूँ कि मैं क्या हो रहा है ये? नहीं, बट ऑफकोर्स आई नो शशि जी एंड सुमित जी पर्सनली. सो काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी हुई है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, एंड ऑफकोर्स उनको ना कहना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए. सो दैट्स हाउ आई सेड येस, और मेरे मुझे जो चाहिए था वो सारा बैलेंस हो गया. सो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई सेड ठीक है फिर, इट मेक सेंस फॉर मी. आई थिंक कुछ चीज़ें पैरामीटर्स कुछ मैंने सोच रखे थे, जैसे कुछ दिन मेरे को चाहिए, जैसे अब यहाँ पे 10 दिन कम से कम मुझे अपने लिए मिल जाएंगे. एंड एज एन एक्टर ऑफकोर्स कुछ चीज़ें और होती हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे लोग कैसे हैं, डायरेक्टर कौन है, ये सब कुछ कुछ चीज़ें आप बात कर लेते हो. बट इंस्टेंटली ऑफकोर्स बिकॉज शशि सुमित है इसलिए आई इंस्टेंटली सेड येस. बाकी कोई और नॉर्मल आता तो फिर आप पहले लुक टेस्ट देते, फिर बाकी एक एक स्टेप बाई स्टेप कुछ बातें होती हैं. तो यहाँ पे वो मौका हुआ ही नहीं, बस सब कुछ बस जिसे कहते हैं ना फटाफट हो गया. उस हीरो के बगैर काम होता नहीं हमारा बिल्कुल. हाँ हाँ, नहीं आएंगे, दे सेड विल कम. सी बट वंस जैसे आप सेट पे आ जाते हो तो 12 घंटे हो तो 12 घंटे खड़े तो हम आपको मिलेंगे. बट ये सब कुछ थोड़ा चैलेंजिंग ये हो ही जाता है. उस जेस्ट के साथ आपको हर दिन उठ के वापस आना आफ्टर 20 इयर्स ऑफ वर्किंग इज़ वेल, एंड इट टेक्स अ लिटिल मोर एनर्जी. वो उतनी एनर्जी अब है नहीं, बट वो अंदर से लानी पड़ती है फिर, बट पता चलता है, अब पता चलता है. यस यस. वो कुछ भी नहीं है, कांट टॉक अबाउट इट. हाँ, ये भी मुझे बाद में पता चला, मेरे को तो ये भी नहीं पता था. ही टोल्ड मी एक्चुअली. अभी तक एक्चुअली मेरे और शहजाद के कोई सीन्स हुए ही नहीं है. सो हाँ, सो मैं वही सोच रहा था, कहते कि वो तीसरे नक्श थे शायद वो. मैं कह यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, नक्श भी इतने चेंज हो गए कि क्या बताऊँ. ये अच्छा है कि चलो हमारे टाइम पे मैं गया तो शायद कुछ टाइम के लिए आई थिंक विशाल वाज देयर, देन उसके बाद नहीं हुआ. बट इतने वो चेंज होते जाते हैं स्टोरीज़, और आपके सीजन्स इतने चेंज हो गए हैं शो में कि यू फगेट द मतलब क्या कंटिन्यूटी रही भी या. तो मेरे को तो पहले अपने ही याद था, उसके बाद तो मेरे को शायद थोड़ा आइडिया था, बट उसके बाद तो आई फॉरगॉट ओनली कि कौन क्या कर रहा है बिकॉज. बट ये अच्छा है कि शो इतना साल चल गया, 15 साल चल गया, दैट इज़ अनदर माइलस्टोन फॉर रिश्ता ऑल्सो. एक आखिरी है, क्या हो गया, क्या दिख गया? शाइन तो मैं वैसे ही करता रहता हूँ. क्या लोगों से ज़्यादा शाइन की लाइट की जरूरत ही नहीं है. ये शहजाद कितना तेज बोलता है रे, आवाज़ यहाँ तक आ रही है उसकी, थोड़ा हल्के बोल. एक आखिरी सवाल, जिस तरह हमें पता है 23 तारीख से इस शो की शुरुआत थर्ड प्रोमो के सबसे पहले हमने देखा राम जी का, एंड 22 तारीख से एक
अयोध्या कहाँ ये करेक्ट करेक्ट दो दिन भारत के लिए काफी स्पेशल होने वाले आप कुछ अगर बताना चाहोगे अबाउट 22 एंड 23 फॉर योर शो वेल पहले ये 22 को ही हमारा शो आने वाला था ये तो अच्छा हो गया कि 23 तारीख कर दिया नहीं तो 22 को तो शायद कोई देखता ही नहीं बिकॉज 22 को बहुत ही बड़ा इवेंट है अयोध्या का आई थिंक टाइम स्क्वायर में भी टेलीकास्ट हो रहा है हम लोग सभी देखने वाले हैं सब लोग देखेंगे एक्चुअली इट्स अ बिग डे फॉर एवरीबडी सो अच्छा यार ऐसी भी कुछ चीज़ होनी चाहिए हमारे कल्चर के लिए आज की जनरेशन को भी पता चलना चाहिए जो कि धीरे धीरे हमारे वही है ना सब कुछ दूर होता जा रहा है चाहे वो जॉइंट फैमिलीज हो चाहे संस्कार हो चाहे वो रिलीजन हो चाहे कुछ भी हो बट आई थिंक इट्स अ बिग डे एंड उसके अगले दिन फिर हमारा शो भी आएगा लॉन्च होगा सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ दीज डेज थैंक यू सो मच थैंक यू यार थैंक यू